क्या है पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी चीज़ में हाइड्रोजन आयन का इरतकाज़ या मकदार कितनी है। व्यूअर्स, ये इस चीज़ की पीएच बताएगी। पीएच को 0 से 14 तक नापा जाता है। 0 से 7 तक नंबर तेजाबियत को ज़ाहिर करते हैं, 7 नंबर पर न्यूट्रल, और 7 से 14 तक एसासी होती है या नमकियात वाली कह लें। ज़मीन की पीएच का खेल 3 से लेकर 10 नंबरों के दरमियान ही रहता है। बेहतरीन ज़मीन 5.5 पीएच से 7.5 के दरमियान पीएच वाली होती है। विवर, ज़मीन की पीएच फसलों पर कैसे असर अंदाज होकर काश्तकार का फ़ायदा या नुकसान करती है, इस बात को आसान अल्फाज में बयान करने की कोशिश करता हूँ। खुराक के कुछ अज़ा ज़मीन में मौजूद होते हैं, कुछ हम खादों और सप्लीमेंट की सूरत में ज़मीन में शामिल करते हैं ताकि वो पौधे की खुराक बन सकें। अब ज़मीन में मौजूद अज़ा और हमारी डाली हुई खादें पौधा कैसे खाएगा और मोटा ताज़ा हो जाएगा। ज़ाहिर है हम पानी लगाएंगे ज़मीन को और ये खादें पानी में हल हो जाएंगी और पौधा जड़ के ज़रिए जब पानी जब्त करेगा और इस पानी में हमारी खाद भी होगी जो पौधे की खुराक बन जाएगी। ये तो है आइडियल सूरत हाल, मगर जब रिवर्स पीएच कम या ज़्यादा हो तो सूरत हाल अलग होगी। जब ज़मीन ज़्यादा तेजाबी या इसासी यानी नमकीन हो तो हमारी डाली हुई खादें और ज़मीन में पहले से मौजूद अज़ा का पानी के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता, जिसके नतीजे में खादें पानी में हल होकर दस्तयाब नहीं हो पाती बल्कि बेकार हो जाती हैं। हो सकता है आपकी ज़मीन की पीएच ही दुरुस्त ना हो और आप अच्छी फसल लेने के लिए खादें डाल डाल कर हलकान हो रहे हों, नतीजा सिफर रहेगा क्योंकि आपकी डाली हुई खादें तो पौधा इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, वो ज़मीन में ही पड़ी रहती हैं और ज़ाय हो जाती हैं। अभी पर ज़मीन में कुछ अज़ा ऐसे होते हैं जो तेजाबी ज़मीन में पौधे को दस्तयाब हो सकते हैं, इसासी में नहीं, और कुछ ऐसे अज़ा हैं जो इसासी ज़मीन में तो पौधे को दस्तयाब